That first step, I congratulate all of you. You have come here to attend the workshop on food processing. That means you are interested in doing something for yourself, for the society. As Honorable Prime Minister always says that once we are self-employed, हम ना सिर्फ खुद को एम्प्लॉयमेंट देते हैं बल्कि और एटलीस्ट एक दो चार पांच लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं. तो वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी का डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल्सो. तो आपने पहली स्टेप ली है कि आपको एंटरप्रीनरशिप में आना है और वो भी ऐसे सबराइज सेक्टर में जैसे मिस्टर जी ने बताया जिसका कोई काम नहीं है. आज हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है और डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना ज्यादा है जो हम पूरा नहीं कर पा रहे. तो इतनी अपॉर्चुनिटीज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में है तो क्या हम उसके लिए तैयार है. तो ये तैयारी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से सपोर्ट है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, प्रोफेशनल्स है, लीगल पर्सन है, सभी है. सिर्फ आपको भी उसको सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच करना है. सो कोई भी प्रोजेक्ट डालने से पहले मतलब आई वुड नॉट बी एबल टू गो इन टू वेरी वेरी डिटेल. आई विल गिव जस्ट अ स्नैपशॉट टू यू कि क्या क्या आपने ख्याल रखना चाहिए जब आप कोई भी प्रोजेक्ट डालते हैं. तो जैसा मिस्टर जी ने बताया कि प्रोजेक्ट डालना है तो आपको एक एंटरप्रीनरशिप का जुनून होना चाहिए अंदर से कि मेरे को कुछ करना है. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट लोन दे रही है या सब्सिडी दे रही है इसलिए मैं सब्सिडी लूँ. तो ये आप सब्सिडी और लोन का एक एस्पेक्ट बाजू में रखें. पहले तो अपने आप को खुद को कन्विंस कीजिए कि ये प्रोजेक्ट मैं वायबल कर सकता हूँ. अगर आपकी कोई आइडिया है तो आपको आइडिया को पहले टेस्ट करना है फाइनेंशियली. ऐसा नहीं कि देर आर वेरी थाउजेंड्स ऑफ आइडिया. मैं तो आपको डिस्करेज नहीं करूंगा बट कभी कभी कुछ कुछ आइडियाज कमर्शियली वायबल नहीं होती. सो आपको पहले उसको पेपर पे ड्राइंग बोर्ड पे आपको लिखना है कि एग्जैक्टली ये मेरी जो आइडिया है कमर्शियलाइजेशन कैसे होगा. तो आपको अगर पूरी एक मान के चलो आपको ऑरेंज प्रोसेसिंग यूनिट डालना है सो आपको उसके रिलेटेड एग्जैक्टली आपका टारगेट मार्केट क्या है, आपका प्रोडक्शन फैसिलिटीज क्या रहेगा, ये सब आपको पहले अच्छे से होमवर्क करना है. तो दो कंसेप्ट आप पहले समझ लीजिए. दैट इज कैपिटल कॉस्ट, मतलब आपके प्रोजेक्ट में लगने वाली जो इनिशियल पूंजी है उसको कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं. यानी आपको प्रोडक्शन फैसिलिटी या सर्विस फैसिलिटी खड़ा करने के लिए जो आपको कॉस्ट लगनी है दैट इज कैपिटल कॉस्ट. मतलब उसमें उसके चार पांच मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. जैसा अगर आप लैंड खरीदने वाले हैं तो लैंड एक कंपोनेंट रहेगा. लैंड के ऊपर आपकी बिल्डिंग बनेगी, उसके बाद यू विल हैव टू टेक द मशीनरी परचेज. आपको मशीनरीज करना है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए अगर ट्रांसफॉर्मर है, छोटे छोटे जो इक्विपमेंट है वो लेना है. फिर आपको ऑफिस सेटअप करना है, फर्नीचर फिक्सर. तो ये पूरा एक कंपोनेंट करके आपका कैपिटल कॉस्ट होता है. तो ये कैपिटल कॉस्ट आपको इनिशियली कितना लगने वाला है इसका आपको डिटेल एस्टिमेशन करना पड़ता है. सर इन माई एक्सपीरियंस आई फाउंड आउट कि बहुत से इंडस्ट्रीज में इनिशियली जब अपन इंडस्ट्री लगाने की इच्छा रहती है तो जल्दबाजी में बहुत सी कॉस्ट छूट जाती है. क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट आप बैंकर को सबमिट करते हैं बैंक उसी को आपको फंड करती है. अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको फ्यूचर में लगेगी तो बैंक वुड नॉट बी एबल टू. बैंक करती है बट इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस अगेन फॉर अ बैंकर कि टू पूरा रीऑर्गेनाइज करके रीअसेस करके आपको वापस फाइनेंस करे. तो मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि भले आप उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो लेकिन आपकी कैपिटल कॉस्ट एकदम परफेक्ट रहनी चाहिए. उसमें आपको कंटिंजेंसीज भी ऐड करना चाहिए. तो आपको आज कोई चीज मालूम नहीं है तो कल जाके आप आज प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो सकता है चार पांच महीने बाद जब वो एग्जीक्यूशन में आएगा तो उसमें कंटिंजेंसीज करके आपको 5-10% की कॉस्ट शायद महंगाई के कारण या और कोई के कारण आपको कंटिंजेंसीज रखना चाहिए. तो आप जो भी कॉस्ट आप प्लान करोगे उसके डिटेल कोटेशन आप जो भी सप्लायर से उनसे ले लीजिए. जैसा लैंड आपको लेना है तो MIDC की लैंड है तो MIDC से डायरेक्ट अलॉटमेंट होता है, उसके रेट अवेलेबल है. अगर आपको लैंड रेंट पे लेना है तो देयर इज अ रेंटल कॉस्ट टू इट. देन आपको अगर बिल्डिंग बनानी है तो आपकी बिल्डिंग कैसी रहेगी. अल्टीमेटली क्या होता है कि हर इंडस्ट्री के लिए बिल्डिंग का डिजाइन अलग होता है बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट है. क्योंकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बीइंग अ पेरिशेबल सेक्टर तो उसके कुछ एफिशिएंसी है कि नॉर्म्स है उस हिसाब से आपको बिल्डिंग में क्या क्या आपको प्रोविजन करनी है वो भी आपको पता रहना चाहिए. तो बिल्डिंग कॉस्ट ऐसा नहीं कि कोई फ्लैट स्कीम वाला या कोई कमर्शियल एस्पेक्ट वाला आपका बिल्डिंग का कोटेशन ले. आपको ये देखना है कि स्पेशलाइज फूड प्रोसेसिंग का अगर आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट अगर नॉर्मली अगर 800 रुपये स्क्वायर फीट नॉर्मल बिल्डिंग की कॉस्ट है हो सकता है आपके केस में वो 200-300 रुपये ज़्यादा है बिकॉज यू विल हैव टू एस्टैब्लिश सर्टन डिफरेंट फैसिलिटीज इन अ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. तो आपको ये भी देखना है कि मेरी स्पेशलाइज इंडस्ट्री के लिए बिल्डिंग में और क्या कॉस्ट लगनी है. फिर आपको मशीनरीज पे आना है.
कि आपको क्या क्या मशीनरी प्रोसेसिंग में लगती है, कुछ प्रोडक्शन में लगेगी, कुछ आपको डिलीवरीज में लगेगी, सो दैट शुड बी मेटिकुलसली प्लान. आपको यानी उसका डिटेल में एस्टिमेशन करना है कि मेरे को क्या क्या मशीनरी, मतलब आप एक विजुअलाइज कीजिए कि मेरा प्रोडक्ट मान के चलो ऑरेंज आता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, तो उसके बीच में जो जो मशीनरी मेरे को लगना है तो मैं सब इसमें इंक्लूड करवाऊँ क्या. फिर आपको मशीनरी आपने अगर डिसाइड किया कि मेरे को ए बी सी डी की मशीनरी चाहिए, उसके आपको सप्लायर ढूंढने हैं, उससे आपको दो तीन सप्लायर से आपको कोट मंगाना है, फिर आपको निगोशिएशन क्या कितना हो सकता है वो एक एस्टिमेट करके, पर आपको हमेशा एस्टिमेट जो करना है वो लैंडेड कॉस्ट तक करना है, मतलब आपके फैक्ट्री में जो आएगी वो कॉस्ट आपको निकालनी है. क्योंकि कभी आपने फरीदाबाद से कोई मशीन खरीदी और वो आपको यहाँ आते वक्त आपने उसका ये नहीं पकड़ा, जीएसटी नहीं पकड़ा या ट्रांसपोर्टेशन नहीं पकड़ा, तो ये कॉस्ट आपकी प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं होगी. तो हमेशा जो भी कॉस्ट आप इमेजिन करोगे वो आपकी जो फैक्ट्री में जो सेटअप करना है वहां तक की आपको कॉस्ट इमेजिन करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या होता है छोटी छोटी कॉस्ट छूट के तो बहुत बड़ी बन जाती है, देन यू एंड अप इन सेइंग कि अरे मेरे पास तो अभी पैसे नहीं बचे हैं. हमने ऐसे ऐसे बहुत प्रोजेक्ट देखे हैं जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन से पहले उनके पैसे खत्म हो गए एंड वहां पर ही वो स्टकअप हो गए. सो एक आपको कैपिटल कॉस्ट अच्छे से करने के लिए तो कोटेशन देना है, फिर आपको अगर मशीनरी का सब होने के बाद देन वी हैव टू से कि मेरे को ऑफिस कितना रहना चाहिए, मेरा फर्नीचर फिक्सर क्या रहने चाहिए, मेरे अदर इक्विपमेंट क्या रहने चाहिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपको एसटी चाहिए एलटी चाहिए, ये भी सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए. एज ए एंटरप्रेन्योर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप हर चीज के एक्सपर्ट बन सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा आपसे रिक्वेस्ट करना कि आपको हर चीज जो आप प्रोजेक्ट डाल रहे हो उसके बारे में पता चाहिए. हर चीज के एक्सपर्ट आप हायर कर सकते हो, लेकिन आपको अगर बेसिक चीजों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आपकी कॉस्ट भी ओवर रन हो सकती है, आपको गलत एडवाइस भी मिल सकती है. तो इसके लिए आपको हर चीज पता चलो. एक बार आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट चेंज हो गई तो आपको पता है कि मेरा प्रोजेक्ट से 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है. अब मैं इसको मेरे को प्रोजेक्शन करना है, तो व्हेनेवर वी डू प्रोजेक्शन हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन करते हैं. सो कभी भी ध्यान में रखना कॉस्ट ज्यादा पकड़ना और अपना प्रोजेक्शन कम रखना, क्योंकि जैसा कस्टमर को आप ज्यादा प्रॉमिस करोगे और डिलीवर कम करोगे जैसा वो नाराज होता है, वैसे ही अपने प्रोजेक्ट का होता है. कि अगर आप प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा सोचोगे कि मेरा पहले साल इतना सेल हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो ये होता नहीं है. सो आप कंजर्वेटिव रहिए. आपने अगर 100 सोचा तो आप 50 पकड़े, क्योंकि अगर आप कंजर्वेटिव नहीं रहे तो आपको आगे चलिए तकलीफ होगी. अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना है, मतलब क्या करना है, आपको अपने बिजनेस का एक 6 साल का पूरा रोड मैप इमेजिन करना कि वॉट इज गोइंग टू बी मेरा बिजनेस 6 साल बाद कैसे रहेगा. तो आपको सोचिए कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ कि प्रेडिक्ट विद अ डिसेंट एक्यूरेसी करना चाहिए. ऐसा नहीं कि फ्यूचर में गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी, आपके कॉम्पिटिटर कोई नए आएंगे, आपका प्रोडक्ट में कोई इश्यू आएगा, वो डिफरेंट है. लेकिन आज के सिनारियो में फ्यूचर का लॉस पकड़ के आप उसको प्रोजेक्ट करें. तो एक बार आपने कॉस्ट का प्रोजेक्ट आपने पकड़ लिया तो आपको मीन्स ऑफ फाइनेंस, जैसा मेरा 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया तो मैं इसको फाइनेंस कैसे करूँगा. जैसा सब्सिडी उसमें अगर है तो आप सब्सिडी को सेकेंडरी पकड़िए, बिकॉज सब्सिडी है आपका प्रोजेक्ट लगने के बाद सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन से प्रोसेस होती है उसके बाद. तो आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट लेके आप बैंक के पास जा रहे हो तो बैंक आपको पूछे कि आपका इक्विटी का भी सोर्स क्या है, क्योंकि एक डेट इक्विटी का रेशो भी रहता है. बैंक चाहते हैं कि आप अपना भी पैसा खुद लगाइए, और इसके लिए आपको अपनी जो भी पूंजी आपके अगर फैमिली फ्रेंड है या आपके कुछ खुद के हैं या आपके साथ कोई इक्विटी पार्टनर है तो आप उनसे बराबर डिस्कस करके आप बैंक को प्रोजेक्ट दीजिए. सी माय एडवाइस टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स इज बी ऑनेस्ट विद योर बैंकर्स. बैंक आपका पार्टनर ही आपका हैंड होल्डिंग भी करता है. बैंकर्स आज इंडियन इकोनॉमी इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं और अनफॉर्चुनेटली आज बैंकिंग इंडस्ट्री की हालत खराब है बिकॉज उसके वेराइटी ऑफ रीजन है. सो आज आपने बैंकर्स से ऑनेस्टी रखी तो आप इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के लिए बैंकर्स भी आपके साथ हैं. सो व्हेनेवर यू गिव अ मींस ऑफ फाइनेंस टू द बैंकर्स तो आपको अपना इक्विटी रियल इक्विटी में ये दिखाना है. सो एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, सेकंड होता है मींस ऑफ फाइनेंस. आपने सोच लिया कि मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है और मेरा अल्टीमेटली फंड कहाँ से आएगा. बैंक से सपोज 75% बैंक से आएगा, 25% मेरे से आएगा. तो अगर 2 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है तो 1.5 करोड़ आपको बैंक लोन देगी, 50 लाख आपको आपके डालने, आपके मीन्स आपके फ्रेंड रिलेटिव या जो भी आपके साथ इक्विटी पार्टनर है
उसके बाद हो सकता है कि 6 महीने बाद आपको सब्सिडी आए. सो कीप सब्सिडी एज द बफर ऑफ योर प्रोजेक्ट. आप उसको लोन कम करने के लिए यूज कीजिए, ना कि वो बिजनेस से विड्रॉ कीजिए. क्योंकि अगर आप लोन कम करेंगे तो आपके बिजनेस के ऊपर प्रेशर कम रहेगा, इंटरेस्ट कम लगेगा, वो आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में आएगा. सो एक टेंडेंसी ऑफ अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए मदद की. आपका बिजनेस है, आपको उसको ग्रो करना है. सो यू हैव टू बी इन द बिजनेस. आप अपना ऐसा पैसा डाइवर्ट करना है, मैं कोई और स्लॉट ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ऐसा मत कीजिए. आप अपना प्रॉफिट यूटिलाइज करके फिर उसमें से आपको जो लेना है करें, लेकिन जो बिजनेस का कैपिटल विड्रॉ नहीं करना है. बिजनेस में सफिशियंट कैपिटल रखना. अब जैसा आपने एस्टिमेट करते हो, आपको ये भी देखना है कि मैंने सफिशियंट एस्टिमेट किया हुआ है. वर्किंग कैपिटल भी आपको इनिशियल एस्टिमेट करना पड़ेगा. नॉर्मली क्या होता है, बोथ सिचुएशन आर डेंजरस. वन इज ओवर फाइनेंस एंड अंडर फाइनेंस. ऑप्टिमम फाइनेंस, अगर किसी को भूख लगी है तो आप उसको पर्याप्त खाना दीजिए. कम खाना दिया तो भूखा रहेगा, ज्यादा खाना दिया तो उसको बढ़ोतरी हो जाएगी. सो इन फाइनेंस दिस इज इम्पोर्टेंट. आपको अंडर फाइनेंस भी नहीं रहना है और ओवर फाइनेंस भी नहीं. ओवर फाइनेंस हुआ तो आदमी रेकलेस हो जाता है स्पेंडिंग में, वो पैसा उठा के कहीं डाल देगा, किसी को उधार दे देगा. तो ऑप्टिमम फाइनेंस का टारगेट रहना चाहिए हमेशा विद अ लिटिल बफर. ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा बैंक से एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, आप उस पर ब्याज दे रहे हो, कोई फायदा नहीं. अल्टीमेटली आपके बिजनेस पे प्रेशर आएगा. सो वंस यू हैव एस्टिमेटेड ऑल दिस थिंग, अब आपको प्रोजेक्शन करने हैं. तो प्रोजेक्शन में क्या क्या करना है आपको, कि पहला तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स का वर्किंग करना, मतलब मेरा सेल्स कैसे आएगा और मैं कहाँ का बेचूंगा. मतलब आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया और इंजून बना लिया, लेकिन आपने उसका एंड कंज्यूमर ही ढूंढा नहीं कि भैया मैं कैसे पहुंचूंगा रिटेलर से. अगर आपने सोचा कि रिटेल काउंटर पर मेरा जूस देखना चाहिए, लेकिन हैव यू थॉट कि मेरा वो नेटवर्क कैसा बनेगा. सो आपको पहले तो सेल्स एस्टिमेशन करना है. सो वेदर यू आर गोइंग टू सेल टू अ डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर गोइंग टू डायरेक्टली सेल टू अ रिटेलर, और यू आर गोइंग टू बी अ ओईएम मैन्युफैक्चरर फॉर सम बिग कंपनी. तो आप किसी को चूज बना के, कोई गोदरेज को बना के दे रहे हैं, किसी को बना के दे रहे हैं. तो आपका बिजनेस मॉडल पहले डिसाइडेड होना चाहिए सेल्स प्रोजेक्ट करने के लिए. सो वंस यू प्रोजेक्ट द सेल्स, उसको आपको सेलिब्रिटी के हिसाब से सोचना है. देखो पहले कभी भी फैक्ट्री चालू होती है या कोई यूनिट चालू होता है तो ट्रायल रन ये सब चीजों के लिए आपको बफर का समय देना चाहिए. आप ऐसा नहीं कि फैक्ट्री चालू हो गया और अगले महीने से आपका धड़ाधड़ सेल्स चालू हो गया, ऐसा नहीं होता है. सो आप पहले ईयर का, पहले एक डेढ़ साल का प्रोजेक्शन लोअर साइड पर रखिए और फिर आगे उसको बढ़ाते रहिए. तो सेल्स आप जब प्रोजेक्ट करोगे तो आपको ख्याल रखना है कि मैं कौन से टेरिटरी में सेल्स प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कौन से एरिया में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उस हिसाब से मेरी मार्केटिंग टीम का मेरा सेटअप करना. मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड. अगर आप सेल्स आंध्र प्रदेश में जाके करना चाहें तो आपको मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ है क्या, उसकी कॉस्ट लगती है. तो वो चीज़ आपको जब सेल्स आप प्रोजेक्ट करोगे कि कितना मेरा यूनिट है, कितना सेल्स हो सकता है, तो एक मिनिमम आप 5 से 7 का प्रोजेक्शन आपको करना चाहिए. अब इसके बाद आपको, अगर आपने सेल्स प्रोजेक्ट कर लिया तो आपकी क्या कॉस्ट है, एसोसिएटेड कॉस्ट है. पहली तो कॉस्ट है मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट. अगर मैं रॉ मटेरियल ऑरेंजेस खरीदता हूँ तो मेरे को पता रहना चाहिए कि कौन से रेट में क्या मिलता है. बिकॉज फूड इंडस्ट्री में एक टिपिकल प्रॉब्लम होता है सीजनल प्राइसेस, कभी आपको लोअर मिलता है, कभी आपको हायर मिलता है. तो यूर स्ट्रेटेजी शुड, आपको वर्किंग कैपिटल आपके पास इसलिए रखना है कि आप जब माल सस्ता मिलता है तो आप उसको स्टॉक कर पाए, मतलब खरीद के, सो दैट यू कैन सेव ऑन द मटेरियल कॉस्ट. तो आपको पहले पता है कि आपके कहाँ कहाँ से आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसकी क्या क्या एसोसिएटेड कॉस्ट है. फिर उसमें आपको रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको लेनी है. फिर आपको प्रोसेसिंग में जैसा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है कि भैया मेरा 1 टन का प्रोडक्शन या जो भी इतने लीटर का प्रोडक्शन होता है तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या लगेगी, उस हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकालना है. फिर मैन्युफैक्चरिंग में आपको लेबर कॉस्ट निकालना है, वर्कर्स कॉस्ट निकालना है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट निकालना है, फिर आपको मार्केटिंग की कॉस्ट निकालना है. क्योंकि देखो अगर आप खुद का ब्रांड बना के बेच रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पर मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है. इनिशियल मार्केटिंग की कॉस्ट इसलिए ज़्यादा लगती है कि आपके ब्रांड का कोई अस्तित्व नहीं है, आपको ब्रांड का अस्तित्व आपको बनाना है. तो वो अस्तित्व बनाने के लिए आपको मार्केटिंग कॉस्ट एक आपको ज़्यादा से ज़्यादा एस्टिमेट करनी चाहिए. बिकॉज आप अगर प्रोडक्ट खुद के नाम से बेचना चाह रहे थे, आपने कोई टाइगो ब्रांड बना लिया कि टाइगो ऑरेंज जूस मेरा है, तो ब्रांड बनाने का या ब्रांड रिकॉर्ड होने तक का आपको कॉस्ट इनकर करना है. इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट रहना चाहिए कि मार्केटिंग कॉस्ट भी सब्सटेंशियल रह सकती है. कितने आपको लोग लगेंगे, कितने एरिया मैनेजर लगेंगे, कितने लगेंगे, धीरे धीरे आपको सेटअप करना है. ऐसा नहीं कि आपने एकदम 10 टेरिटरी में सब मार्केटिंग मैनेजर खड़े कर दिए. आपको उसमें लेना है कि भाई
मेरा पहले कौन से टेरिटरी टारगेट करूँ, पहले वहाँ मैं अपना प्रोडक्शन एस्टेब्लिश करूँ, फिर यू कैन स्केल अप द मॉडल टू डिफरेंट टेरिटरी। सो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट जो लगनी है वो आपको एस्टिमेट करना है। इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, वन इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट लगेगी। मान के चलो आप 1 लीटर जूस बना रहे हो तो आपको उतने ऑरेंजेस लगेंगी, आपने जूस बनाए नहीं तो उतने ऑरेंजेस लगेंगे, तो ये है वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन कुछ कुछ कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, जैसे कि आपने कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रखे, वर्कर्स लोग रखे या लेबर फोर्स रखा है, या आपका इलेक्ट्रिक मीटर है उसमें मिनिमम बिल आने वाला है, तो उसमें आपको वो फिक्स कॉस्ट है। आप प्रोडक्शन करो ना करो आपको वो कॉस्ट लगने वाली है। सो आपको ये पता रहना कि मेरे वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मेरे फिक्स कॉस्ट क्या है, पूरी कॉस्ट आपको निकालनी है। ऐसे होकर आपको एक एक कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, इवन अप टू द ऑफिस एक्सपेंसेस, आपको चाय का भी खर्चा कितना आने वाला है आपको एस्टिमेट करना है, गो इन टू डिटेल। यहाँ आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट रहेगा। डोंट गो कि भैया हाँ महीने तो 50,000 रुपये महीना इस पे जाएगा, 1 लाख रुपये, ऐसा मत कीजिए। उसको कंपोनेंट को ब्रेक कीजिए कि माइन्यूटेस्ट आप जो सोच सकते हैं, बस जैसा घर में प्लान करते हैं, अगर अपनी कोई शादी है घर में तो अपन सब सोचते हैं कि भाई खाना कितने का रहेगा, कपड़े कितने के रहेंगे, तो लेट अस ट्रीट दैट एज अ वेरी पर्सनल थिंग। और आप ऐसा उसको लूज मत छोड़िए कि भैया मैं बाद में देख लूंगा, एक कॉस्ट को आज ही एस्टिमेट कीजिए। आप अगर कोई ऑफिस में असिस्टेंट भी रखना चाहते हैं तो उसकी सैलरी पड़ती है, मैन पावर का एस्टिमेशन है वो भी करेक्ट पड़ते हैं। मेरे को एक मैनेजर 15,000 में मिलेगा, एक से कोई मार्केटिंग का बंदा 20,000 में मिलेगा, तो सब इसका एस्टिमेट आपको डिटेल में करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको फाइनेंस कॉस्ट, जब आप बैंक को अप्रोच करते हो तो आपको, जैसा अमित जी ने बताया कि मेरा लॉट ऑफ स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ आपको कर्जे का दर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जब लोन इज चीपर फॉर मतलब एंटरप्रेन्योर्स फॉर SC/ST कैटेगरी एज वेल एज अदर, तो उसमें आपको देखना है कि आपकी स्कीम कहाँ बैठती है। देखो आज मनी सेव इज मनी अर्न, सो आप यू शुड बी वेरी एफिशिएंट इन सिलेक्टिंग द मोड ऑफ फाइनेंस। आपको ये पता रहना चाहिए कि बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरे लिए। अगर मैंने कुछ यूनिट लगा और मैंने अगर वही ऑप्शन लिया है तो आप मेरे पे रिलाय मत कीजिए, आप अपना खुद का भी रिसर्च कीजिए, 10 जगह जाइए। बैंकर्स आर सो प्रोएक्टिव, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक DIC एंड ऑल आपको हेल्पिंग, कि आपको बराबर डायरेक्ट करेंगे कि भैया आप और यहाँ पर देख लीजिए आपकी स्कीम कहाँ पे। भी कुछ कुछ बैंकिंग में भी फूड प्रोसेसिंग में जरा 1000 ऑफ प्रोजेक्ट, तो कुछ बैंक में वो स्पेशलाइज प्रोजेक्ट के लिए कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो ऐसे 1000 स्कीम्स है। तो आपको ये पहले देखना है कि मेरा प्रोडक्ट कौन से बैंक में है, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाभार्थी कोई स्कीम है क्या, तो आपको ये सब देखना है कि वेदर आई एम एलिजिबल फॉर द चीपर मोड ऑफ फाइनेंस। तो आपको फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है, जैसा आपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन सब बना लिया, आपको अभी देखना है कि मेरा लोन का रिपेमेंट कितना आ रहा है। जैसा बैंक कभी 5 साल के लिए लोन देती है, कभी 6 साल, कभी 7 साल के लिए, तो आपको ये देखना है कि मेरा बिजनेस सफिशियंट प्रॉफिट या कैश फ्लो जनरेट कर पाए कि मैं बैंक को रिपेमेंट कर सकूँ। इसमें बहुत से एंटरप्रेन्योर गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा कि मैं बैंक को आराम से दे पाऊंगा, और वो 6-8 महीने में उनको तकलीफ शुरू हो जाती है। आज हिंदुस्तान में जो एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम में आए, इसका रीज़न 80% केसेस में रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग है। एंटरप्रेन्योर के पास बिजनेस नहीं था, ऐसा नहीं था, सबके पास बिजनेस था, लेकिन सभी लोग रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग में फंस गए। उनके पास वर्किंग कैपिटल, जब उनको खरीदना था पैसे, रॉ मटेरियल खरीदना था, तब उनका पैसा खत्म हो गया, इसलिए उनको महंगे में मिला, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा थी, मार्केट से बॉरो किया, तो अल्टीमेटली रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग हैज रिजल्टेड इन फेलियर ऑफ 80% ऑफ एंटरप्राइज इन इंडिया। अपन बोलते कि यार ये अब सभी अच्छे, किसी का इंटेंशन गलत नहीं था, 2-4%, 5% छोड़ दो, लेकिन 95% एंटरप्राइज अच्छे थे, लेकिन रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रॉब्लम के कारण ही वो तकलीफ में है। उनको सेल्स उनके बिजनेस का था, तो आपको एस्टिमेट करना है कि मेरे को बराबर कैसे मेरा बैंक का रिपेमेंट अगर मेरे को करना है, तो अगर मेरे को साल का 20 लाख रुपए बैंक को रिपेमेंट करना है, तो आपके बिजनेस से 35-40 लाख रुपए जनरेट हो, इतना आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट होना चाहिए। सो दैट अगर थोड़ा भी उसमें 10-20% का वेरिएशन आया, फिर भी आपके पास शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रहे। ऐसा नहीं कि भैया मैं 20 लाख ही कमा रहा हूँ, बैंक को बोल रहा हूँ 20 लाख रुपए दे दूंगा, ऐसा नहीं। आप 35 लाख रुपए कमा रहे हो और उसके बाद आपको ये बोलना है कि मैं 20 लाख रुपये बैंक को दूंगा। सो एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर रिपेमेंट ऑफ द लोन, और हमेशा एक याद रखिए, जितना जल्दी आप बैंक का लोन रिपे कर सकते हो उतना आप कोशिश कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं एकदम
फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल में आ गया, मैं बड़ी गाड़ी ले गया, वो सब है आपको आगे जब आपका बिजनेस आपको ग्रोथ देगा तो वो सब आपका ही है। बिजनेस आपका है, अगर वो प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा तो आप एक से दस गाड़ी खरीद सकते। बट एक टेंडेंसी क्या होती है कि इनिशियली दो साल में अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं सब एकदम ग्लैमरस लाइफस्टाइल में आना चाहता हूँ। तो ये गलती मत कीजिए, पहले आपके ऊपर जो भी कर जाए वो आप उसको वापस कीजिए, फिर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में से भी जो लोन आपने लिए उनको भी अच्छा रिटर्न कर, जो भी देना है देन फाइनली जब बिजनेस ही हुआ। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि पहले बिजनेस के ऊपर जो भी कर्जा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब अच्छे दिन रहते हैं आपके बिजनेस, क्योंकि सब दिन आपके बिजनेस में अच्छे नहीं रहेंगे, सो वेन यू आर जनरेटिंग गुड प्रॉफिट मेक श्योर दैट यू रिटर्न द लोन एंड देन उसका इंटरेस्ट भी कम रहेगा, आपको एक प्रेशर भी नहीं आएगा। तो आप जब ये सब चीजें प्रोजेक्ट आप डालते हो बैंक में तो देन देर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग्स की ये सब फाइनेंशियल कैलकुलेशन हो गए। एक सेकंड एस्पेक्ट पता है कि आपके बिजनेस को लगने वाले लाइसेंसेस क्या क्या है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि आप इधर सब तैयार रखते हो लेकिन उधर लाइसेंस नहीं आता है, उसके कारण आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। सो डोंट सब चीजें पैरल, आपको एक जो एक एक्टिविटी कार्ड बनाना है कि मेरे को हर दिन क्या करना है, मतलब कौन से लाइसेंसेस लगने हैं, मैं उसको क्या अप्लाई करूंगा, कौन से ऑनलाइन है, कौन से फिजिकल है, कहाँ मैं किसको, थोड़ा सा डिले भी पकड़ के चलिए उसमें, आइडियल सिचुएशन नहीं रहती हो अगर तो आपको पैरेलल एक्टिविटी करना है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री चल रहा है तो उधर आपको लाइसेंसिंग भी अप्लाई करना है। सो ये जो भी लिस्ट ऑफ लाइसेंसेस आर अवेलेबल एवरीवेयर, लेकिन आपको उसमें भी आपको डिटेल में निकालना है कि एग्जैक्टली लाइसेंस आपको कौन कौन से लगना है। सो बेटर यू मेक अ लिस्ट ऑफ इट एंड आप असाइन कीजिए, आपको एक दो लोग आपके साथ एज ऑफिस असिस्टेंट शुरुआत से रखिए, क्योंकि हर जगह आप दौड़ेंगे तो वो आपका टाइम यूटिलाइज बराबर नहीं होगा। सो कीप टू पीपल विथ यू टू फॉलो अप ऑन एवरी एस्पेक्ट। सो आपको ये लाइसेंस कौन कौन से लगने चाहिए वो भी आपको देखना है। फिर थर्ड एस्पेक्ट है कि अभी बहुत सी स्कीम्स तो कोलैटरल फ्री भी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ आपका जो प्रोजेक्ट साइज है उसमें आपको कोलैटरल सिक्योरिटी भी लग सकती है, बैंक में डिमांड। सो आपके पास क्या है, आपका खुद का कोई एसेट है क्या, कोई आप दे सकते हैं तो वो भी आप एस्टिमेशन कर लीजिए। क्योंकि आपको अगर प्रोजेक्ट डालना है तो हमेशा अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं कोलैटरल फ्री भी मिल रहा हूँ, सब सब्सिडी भी है तो मेरा कुछ भी नहीं लगा, मेरे स्टेक्स क्या लगे, तो मैं तो फ्री हूँ, बिजनेस डूब भी गया तो मेरा कुछ नुकसान नहीं है। तो अगर ये कंसेप्ट आप मत रखिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक देश में अगर कोई बैंकर या इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया आपको हेल्प करिए तो नेशनल रिसोर्सेज का वेस्टेज मानता हूँ मैं। अगर एक इंडस्ट्री बंद हो गई तो एक नेशनल रिसोर्स वेस्ट हो गया, अगर उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट हो गई, आपने चार लोगों की एम्प्लॉयमेंट वेस्ट की, आपने बैंक का डिफॉल्ट किया, 10-15 लोगों के डिपॉजिट आपने उस पर जो निर्भर थे, तो इट इज एन एंटायर इकोसिस्टम। सो डोंट थिंक दैट आपका एक बिजनेस फेल हो गया तो आपका कुछ हुआ, इट इज अ नेशनल रिसोर्स का वेस्टेज हुआ है। सो आप उसको केयरफुली चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक मेरे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली अपने ऐसा होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन फेल हो जाता है तो उसको एक क्रिमिनल की नज़र से देखा गया, पहले का एक जो फेस चला था। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी, हो सकता है कि आपका इनिशियल व्हीकल भी सब आपने अच्छा भी प्लानिंग किया तो भी हो सकता है कि देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल विच विल डिस्टेबलाइज योर बिजनेस। सो डोंट गेट डिसाइडेड, आपको उसमें सभी अच्छे से इन्वॉल्व रखने और प्लानिंग किया तो 100% आपको सब लोग हेल्प करेंगे एंड यू विल कम आउट ऑफ इट। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ आप कोई जॉब नहीं कर रहे, इट इज अ रिस्क, कोई भी बिजनेस है ना एक प्रकार की रिस्क है, आप उसमें कुछ प्लानिंग करके उतर रहे लेकिन हो सकता है कि वो रिस्क आपको थोड़ा सा डैमेज भी करे। सो डोंट गेट डिसाइडेड बाय दैट इनिशियल टॉक, अगर आपको लॉन्ग टर्म में इसमें बिजनेस में रहना है तो हैव अ विजन। अगर मेरे को एक आध दो साल लॉस दिया तो मेरे को डरना नहीं, बट मेरे को लॉस किस वजह से हो रहा है उसको करेक्टिव एक्शन भी लेना है। सो ये सब चीजें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हुए आपको सब सोचनी पड़ेगी। बहुत सी बार हम लोग जैसा बैंकर्स के पास किसी एंटरप्रेन्योर को ले जाते हैं तो बैंकर पूछता है कि अरे यार आपका कैसा मार्केटिंग का प्लान क्या है, तो एंटरप्रेन्योर अरे बोलते ये भी हमको बताना है क्या। तो एट द एंड ऑफ द डे वो बैंकर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपकी रिक्वायरमेंट कि मेरा मैं प्रोडक्ट कैसे बेचूंगा। तो ऐसा नहीं कि आपको बैंकर को कन्विंस करना है लोन देने के लिए, आपको खुद को कन्विंस होना है कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंस इज लाइक अ नर्व सिस्टम ऑफ एनी बिजनेस, तो आपको तो नर्व को भी अच्छे से रखना है, फाइनेंस पे ही आपको ध्यान रखना है। और अगर उसके साथ आपका प्रोडक्ट मार्केटिंग सभी जो चीजें हैं
वो आपको इन्वॉल्व रखनी है. दूसरा आपको कैश फ्लो पे ध्यान रखना है कि आपका सफिशियंट कैश फ्लो जनरेट हो. देर आर लॉट ऑफ इन डेप्थ डिटेल्स. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू. मतलब आई विल बी अवेलेबल विथ वी आई और एनीबडी. आप लोगों को कुछ भी हेल्प चाहिए तो आई एम देयर टू हेल्प यू. बट द अलॉटेड टाइम में आई जस्ट वॉन्टेड टू हाईलाइट सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड कॉस्ट. सो आप अगर कुछ भी इसके अलावा भी आपको पूछना है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू. I am thankful to VI, Dicky and Government of India, Government of Maharashtra and all of you for giving me a patient hearing. Thank you very much. Phone number, would you like to share your email ID? My email ID is samir@gmail.com. And my mobile number is 4582 4581 4581 5. Thank you. Sameer sir, one small question regarding the moratorium period. As you said, we cannot expect our business to be running from the first day. It would require around 5 to 6 months of establishment and another 5 to 6 months of working, where I won't generate any profit. Right. So, why are the